ये है माइक्रोमीटर मॉडल नंबर SBRM 10, दिस इज मेक SB मेक। ओके, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले ये जो वायर देख रहे हैं आप, ये वाले वायर का रेजिस्टेंस मेजर करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले पहले यहाँ पे देख लीजिए, इसका रेंज है मैक्सिमम करंट रेंज है 10 एम्पियर और मैक्सिमम रेजिस्टेंस रेंज है 2000 ओम। ओके, तो फॉर टेस्टिंग हम क्या करेंगे, पहले मेंस पावर सप्लाई ऑन करेंगे, उसके बाद हमें ये वाला जो वायर है इसका रेजिस्टेंस पता है, लगभग ये 500 माइक्रोम्स के आसपास का रेजिस्टेंस आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, रेजिस्टेंस ऐसे सेट करेंगे 2 मिली ओम्स, आप देख रहे हैं लोएस्ट रेंज, तो इससे नीचे ही आएगा, तो हम लोगों ने यहाँ पे रेजिस्टेंस ऐसे सेट किया 2 मिली ओम्स, और आप देख सकते हैं ये तुरंत यहाँ पे मिली ओम रेंज में रेजिस्टेंस का आ गया। तो फॉर टेस्टिंग हमें क्या करना है, पहले टेस्ट ऑन जो लैम्प है, तो टेस्ट ऑन लैम्प को यहाँ से दबाना है। तो ये टेस्ट ऑन लैम्प हमने दबाया, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमेटिक ये कैलकुलेशन चल रहा है, और ये कुछ देर बाद ये क्या हुआ, टेस्ट ऑन जो लैम्प था ये बंद हो गया, और ये वाला वैल्यू जो है स्टेबल हो गया। तो इसने कैलकुलेशन करके निकाला 0.5055 मिली ओम्स। तो इसको ऐसे आपको अगर प्रोडक्ट का जो भी प्रोडक्ट है आपके पास, उस प्रोडक्ट का अगर रेजिस्टेंस रेंज पता है तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, और अगर नहीं पता है तो पहले आप 2 मिली ओम से शुरू कर सकते हैं, उसके बाद धीरे धीरे अगर इसमें ठीक ठाक से रेंज नहीं आ रहा है तो उसके बाद वाला आप यूज कर सकते हैं, फिर भी अगर नहीं आ रहा है तो उसके बाद वाला यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे जो कनेक्शन है ये कैसे करना है, यहाँ पे आप देख लीजिए IH, VH, VL और IL, 4 टर्मिनल से इसको कैसे कनेक्ट करना है टेस्टिंग ऑब्जेक्ट में। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए टेस्टिंग ऑब्जेक्ट का, ये टेस्टिंग ऑब्जेक्ट का ये दो साइड है, तो एक में आपको बेसिकली IL और VL लगाना है, और एक में यहाँ पे ये VH और IH लगाना है। तो क्या कैसे लगाना है, जो करंट का प्रोब है, I वाला प्रोब है, वो बाहर लगाना है, और वोल्टेज का प्रोब अंदर लगाना है। यहाँ पे भी सेम, करंट का प्रोब बाहर लगाना है और वोल्टेज का प्रोब अंदर लगाना है टेस्टिंग ऑब्जेक्ट में।